ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, अब जल्दबाजी वाला काम होगा। ठहरो, आज रैयत के सामने हमें तुम्हें बेनकाब करना चाहती थी, आज इसकी औरत को नंगित कर दो, आज किरण को नंगित कर दो, जब नंगित हो जाएगी तो रैयत के सामने इसका सर नीचा होगा। राइट, सही बात कहती हूँ, उसके बाद में इसे शहीद करूंगा। ये बात है, ये बात है। तो ठाकुर साहब तुम इसके ऊपर वार करो और हम इसकी साड़ी खींचने जा रहे हैं, साड़ी खींचने जा रहे हैं। किरण, रिवाल्वर छह राउंड का मरने वालों की संख्या 1, 2, 3, 4 एक और एक गोली बची है, एक गोली बची है इन बाबा के खास में। नहीं नहीं, गिनतियां की गिनती की गोली, एक गोली हवाई जाएगी। भयंकर, तेरी हस्ती क्या है, तेरी हस्ती क्या है, तुम मुझे बताएगा, और तेरी हस्ती है क्या, तुम मिटाए तो, तेरी हस्ती है क्या। बेटा
बढ़िया तो ठीक है, जो हम उतरिया तो भीज है। हाँ चले आओ भयंकर सिंह, पहचाना साहब, इधर आओ साहब, साहब सीताराम बिलहरा से आए हैं। सीताराम बिलहरा से ये 10 रुपया कलम बंदी नाम देते हैं। उनका कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है, इंसाफ चाहिए इंसाफ। हाँ इंसाफ ही होगा। भयंकर सिंह पहचान, पहचान नहीं पहचान पा रहा। कौन हो मेरी अम्मा, कौन हो मेरी अम्मा। भयंकर सिंह तो खो तेरी माफ कर दूं। देखो यह बता है, बताई दे, देखो हमारे हमारे चाहे मान लो और ठाकुर के ना मारे। हाँ हमारे हमारे यह बता है, ज्यादा ज्यादा मरी हो पति हो पापा है पहने बुआ कर यार। इधर आ, इधर आ साहब, इधर आ। जोगिंदर आगे 10 रुपया कलम बंदी नाम देते हैं, कहा सारे कुत्ता बना के मारा, कुत्ता बना। इनका बंटा इधर देख, इधर देख, इधर तुझे वो नहीं, वो तुम्हारे पेट नहीं भरी पाई है, पेट तुम्हारा हम भरी बा। या गलती हमार नहीं रहे, गलती है, या गलती हमार नहीं रहे, या गलती सब ये बहन चोद के रही है इनकी। हाँ यह सार हमें, यह सार हमेली पर बुलाए बुलाए। अच्छा हमका दारू पिया पिया। अच्छा हम दारू पी ले। अच्छा तो हमका फिर लहुरिया मेहरबान के रिया दिया। लहुरिया पियो ठाकुर विक्रम सिंह वो फाइट कर से हराम ज्यादा साले कुत्तो और तेरी देख सूरत चले तन हमारा। ठेकेदार का है ये चक्करम डाल दे। अच्छा चक्करम डाल दे जत्ते खन की बहन की बुरी पहुंचा ठाकुर साहब लाओ सौ ग्राम पे ही गरियायो ना मारी में लात पचाऊंगी बाहर। भैया सुनो सुनो, अरे किरण भौजी हमका देव छोड़, हम रह नहीं जाए, हम जाए तो ना भैया, यह गांव में सरौरा में यहाँ होरी लाल करी बहिनी बनौती है दारू, या का बोतल दारू पे भी जाओ उसके बाद सरवन करे घर चले जी। फिर हत्या बमटा, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है भयंकर सिंह। आज तुझे याद आ गया,
वही दिन तो बिहसे भैरव आज बजा 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 बुझ जड़ी हो जो मौका पाए बाज नहीं हो रस्सी जल जात पर इंटर न जाए आगे बढ़ आगे बढ़। उस दिन में तेरे हाथ पैर सब जोड़ती रही हाँ। हाँ? तुझे तरस नहीं आया करी का नशे में हर रहन नशे भयंकर सिंह तुम्हें रोती रही चिल्लाती रही कमीनी तेरे दिल में थोड़ी भी दया नहीं आई एक मासूम की तू इधर लूट रहा है मैं रोती रही चिल्लाती रही ना तूने अकल से काम लिया मैं रोती रही चिल्लाती रही ना तूने अकल से काम लिया और होश तेरे अब खड़े हुए जब हाथ में हंटर थाम लिया किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना और पुष्प नहीं और बन सकते हो तो काटे बढ़कर तलवार भी थी पिस्टल भी था अब हाथों में दुधम नहीं तलवार भी थी पिस्टल भी था अब हाथों में निकल पैर छूते हुए निकल पैर छूते हुए निकल भयंकर सिंह अपना इनाम तो लेते जा ये ले अब इनका साहब छाड़ दो इनका साहब छाड़ दिन जाए क्यों छोड़ दूं नीक हो भैया नीक हो यो सारा बहुत बुरा हा रहा है हां एक मार्डर और सुनो और तुमका परिवार आए तुमका छाड़ दे तन के पर इतने इतने दिन जो जुल्म किए उनकी एक एक कड़ी याद आएगी चौकीदार एक काम करो ये साला बहुत आशिक जा रहा है बहुत आशिक रहा है लौंडियल में ये औरतों के साथ में अत्याचार करता था बोलो साहब तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी हमका या के कच्ची बोतल दारू तुम मंगाई दो आज कच्ची बोतल हां के बहुत तुमसे साहब कह ना यार आज मंगाई दो जैसे लौंडियल की इज्जत लुट रहा है वैसे जब पीछे लुट जाए ठीक है मंगा दूंगा हां मंगा दूंगा साहब इसको ले जा जिस तरीके से औरतों के साथ में करता साहब साहब इतने कह दे हमका ना ले जाए ले जाओ हमका ये जो लेंगे तो ये भरी पड़ी है खा जाए आज तुम्हारी आंखी बड़ी बड़ी बहुमत ले जा साले को से आज मान हो जाएगा इसे अरे चौकी दरवा साले तू क्यों चिल्ला रहा है रे अरे तू क्यों चिल्ला रहा है साले ये चौक वाह साहब पूरी सबों दिन खाएं कबहू मजा ना आया हुआ जब तब मजा पर्याथम आज हुआ क्या हो गया रे क्या हो गया साहब क्या हो गया लाता है गया काकड़ और सारा पत्थर ला
काम करो साहब, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कहना चाहते हैं, हम भी कहना चाहते हैं। अब राजदेव साहब एक काम करो, देखिए मेरे आज का हैप्पी बर्थडे टू है साहब। साहब ये पीछे वाले कुछ बोलैया है। बोलो बोलो क्या करना चाहते हैं। भगवती कनौजिया 100 रुपए भाई पार्टी में दे रहे हैं। कहत का है, का कहत साहब कहते हैं विक्रम ना मारो यतना मारो ये उधार ले ले हगई साहब। साला बहुत आशिक जान है। अरे आराम दादा साले विक्रम सिंह भैया। हाँ आखिरी ख्वाहिश है। साला उल्टा फंस गया, इसको निकालो, निकाल इसको। बराबर तू क्या फंसा है? क्या होगा रे? क्या हुआ रे? क्या हो गया साहब? इका खंजर रहा जो जाए के है के सर काचा बात वाले आंख में फंसा होगा। निकालो इसको। और इस लाश को ले जा करके विजय चौहान, मैं क्या देख रहा हूं आपके इस वर्दी भी नहीं और आप निहत्था। क्या बताऊं सर, मैं कुछ कह नहीं सकता। आखिर क्या तरफ जितने दंगा फसाद लूटमार होते थे वो कोई दूसरा नहीं करता था। मेरे भाई को मुलजिम बनाया गया कोई दूसरा नहीं। अगनू किसान का खून किया कोई दूसरा नहीं। हम लोगों की आंख में धूम झोंकता रहा और चपरे में काम करता रहा था सर। तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि जितना जिला गाजियाबाद में दंगा फसाद हो रहा था उसकी फसाद केवल भयंकर और विक्रम करता था। तुम्हारे पास क्या साबूत है? मेरे पास साबूत साबूत है मेरे पास साबूत। अजय चौहान, मैं तुमसे दो वार्ड में बात करूंगा। जी साहब बोलिए। जब दफा 307 के आप मुलजिम बने उस वक्त तुम्हारे पास क्या मजबूरी थी जो तुमने विक्रम सिंह पर गोली चलाया था? साहब ये बात तो मैं आपसे उस दिन भी बता सकता था और आज भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरे भाभी माँ है, मैं उसके हाथों मजबूर हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता। यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी भाभी माँ है उसकी बातों से आप मजबूर हैं। किरण चौहान, सरकारी वकील किरण चौहान। यस एसपी साहब। मैं तुमसे जानना चाहता हूं
कि जो आपका देवर अजय चौहान है ये कौन सी बात से मजबूर है आज तुमको सारे वादे और इरादे सब भुला करके इसे माफ करो और इसे कहो कि अपनी सच्चाई हमारे सामने लाए। ठीक है एसपी साहब। बेटा अजय, आज तक जो हम और तुम छुपाते रहे बेटा, और हमने जो तुम्हें प्रतिज्ञा दिया था, जो वचन दिया था बेटा, आज एसपी साहब भी है, तुम्हारे भैया भी हैं, उनके सामने तुम सच सच बता सकते हो। ठीक है भाभी। हाँ बेटे, अगर आप कहती हो तो आज मैं सब कुछ सब साफ बता दूंगा साहब। उस दिन विक्रम हरामजादे के ऊपर गोली मैंने इसलिए चलाया था क्योंकि वो हरामजादा मेरे ही क्वार्टर पर जाकर मेरी भाभी की इज्जत लूटना चाहता था। क्या? तुम्हारी ठहरो 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 विजय चौहान, आइए जरा आगे बढ़ो विजय चौहान। मैं देख रहा हूँ और मैं सुना भी, तुम्हें नहीं पता वाकई में किरण चौहान सरकारी वकील भी है और होशियार भी थी। अगर उस दिन तुम्हें ये बता देता कि हमारी भाभी किरण चौहान को विक्रम सिंह छेड़ रहा था, मैं उसे जान से मार जान से मार देते। जान से क्यों नहीं मार देते? तुम तो जान से मार देते। कच्चा जमा जाता। हाँ, कच्चा जमा जाते, तुम्हें बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं। अरे बच्चे, अजय चौहान कानून के बड़े दायरे होते हैं और गहरी बात रखने में औरतों का ही काम होता है। अगर उस दिन ये गहरी बात रखती नहीं तो तुम जानते हो यहाँ के मुलजिम बन जाते और आए थे जिला गाजियाबाद स्वतंत्र करने और यहाँ पर तुम जेल काट जेल हो। आपको मानना पड़ेगा। नंबर दो, अजय चौहान आप दफा 302 के मुलजिम बने। ये बता अंगनू का खून किसने किया साहब? तुम्हारे पास है सबूत? जी हाँ साहब, अंगनू का खून मैंने नहीं, अंगनू के खून का सबूत मेरे पास है। अंगनू की बेटी जिसका नाम है बिजली। अंगनू की बेटी जिसका नाम है बिजली। बिजली नंबर एक, ये बता अजय चौहान कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सबूत है इसका, तुम्हारे बाप के खून का, बोलो क्या कहना चाहते हैं? साहब अजय सही कह रहा है कि अजय हमारे बापू का कातिल नहीं है साहब, बल्कि हमारे बापू के कातिल वही दो हैं, ठाकुर भयंकर सिंह और उनका दोस्त विक्रम सिंह। कैसे साहब? एक दिन में और मेरी बापू अपनी झोपड़ी पे बैठी हुई थी, तभी ये दोनों हरामी आ गए और हमारे बापू को पकड़ लिया साहब, उसके पास में गले पे तलवार रख दी और हमसे कहने लगी कि ये ले बिजली फोन और फोन कर अपने जैया खसम के पास, बोल उससे कि मेरे बापू की तबीयत बहुत ही सख्त खराब है, उन्हें गाजियाबाद हॉस्पिटल में एडमिट करना है सर। मैंने जो ही फोन लिया और अजी को मिलाया, इतनी बात बताई, बस इतनी ही बात बताने के बाद उन दोनों ने फोन को छीन लिया साहब। फोन काटने के बाद में उन हरामियों ने मेरे बापू को मेरे आंखों के सामने मार दिया। क्या? तेरे बापू को तेरे आंखों के सामने मार दिया? हाँ साहब। देखा विजय चौहान? नंबर दो साहब, जब मेरे बापू को मेरे आंखों के सामने मार दिया और मुझे उठा करके अपनी हवेली दोनों ले गए, वहां ले जा करके साहब हमारे साथ में बड़ी बदतमीजी की और उसी के साथ में मेरी इज्जत को लूट लिया। हाँ साहब, मेरी इज्जत को लूट करके मुझे पहाड़ियों में फेंकवा दिया साहब। इसीलिए अजय निर्दोष ही कातिल थे वो दोनों थी। सुना विजय चौहान? देखा आप यहाँ पर जिला गाजियाबाद में यानी मुलजिमों को ढूंढते रहे और ढूंढ नहीं पाए, यानी पुलिस नाकाम हो गई और जो काम आपको करना था वो आपका छोटा भाई करके दिखा। और क्या, बड़ी गौरव की बात है। कानून की आंखों में धूल झोंक करके विजय चौहान आज भयंकर और विक्रम सिंह आजाद गुंडई करते रहे और कानून नहीं समझ पाया। आज के दिन अगर तुम्हारा भाई अजय चौहान नहीं होता तो तुम जिला गाजियाबाद को स्वतंत्र नहीं बना पाते। स्वतंत्र नहीं मेरी, और तुमने बड़े सपने देखे थे कि एक दिन हमारा भाई कोई बड़ा अफसर बनेगा जिला गाजियाबाद में तो बड़े गौरव से हमारा सीना ऊंचा हो जाएगा, इसी के लिए आप चाहते थे ना। पीछे हटो आप। अजय चौहान एसपी
पाप। हमने एक दिन अपने बेटे को टहलने के लिए भेज दिया था, हमें लगता है कि हमारा बेटा बिगड़ गया। ये ठहरो, ये लड़की कौन? अभी बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। अजय चौहान, तुम्हारे भाभी और तुम्हारे भाई साहब ने देखा था बड़े बड़े सपने, बड़ी गौरव की बात है कि सारा केस मैं अपने पर ओपन करता हूँ जी साहब, यानी तुमको अपनी कलम से बरी कर रहा हूँ, लिहाजा तुम्हें जिला गाजियाबाद का यशो बना रहा हूँ। और रही बात किरण चौहान, तुम क्या कहना चाहती हो? कह रही हूँ सुनो बिटिया, क्या है? तुम देखो तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा बहक गया है। अच्छा, तुम जाओ, देखो हमारा बच्चा बिगड़ गया है, देखो तुम्हारी वजह से, तुम जाओ और देखो हम लोग। हेलो, अभी तुम्हारा जेवर भैया आगे उमाकांत पांडे पर चादर मेरा कमेटी में धन्यवाद। अभी तुम्हारा बच्चा पानी को मम्मा नहीं कह रहा है। अरे रे, इतना सीधा साधा बच्चा, उसको तुम क्या कह रही हो? अरे किरण चौहान, तुम्हें नहीं पता, अगर आज के दिन बिजली से लम्बरित नहीं करती होती तो जिला गाजियाबाद को स्वतंत्र नहीं कर पाते तुम्हारे। पर साहब, ये लव मैरिज कब हो गया? अब ये भी बताना पड़ेगा तुमको। क्या हमने तुम्हें यही नसीहत दिया था? अभी तुम्हें नहीं मालूम। गुड्डू मोरिया सिसावा कला, गुड्डू मोरिया सिसावा कला, 100 रुपए भाई साहब मेला कमेटी मेरे धन्यवाद। क्यों? जिस दिन मैं टहलने के लिए गाजियाबाद को गया था, अचानक उसी दिन मुझसे इससे प्यार हो गया था मुझे। प्यार? अरे, इस लड़की के साथ में? ये तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़, जरा चल के दिखा। एसपी साहब, कहाँ ये लड़की और कहाँ हमारा बेटा? अरे तुमने देखा नहीं, इसका तो बीच फटा हुआ है। पगली वो जो ट्राउजर पैंट पहने हुए तो उसका बीच फटा होता ही, और आप साड़ी लगाए हैं, आपका बीच कहाँ फटा होगा पागल देश? सरकारी वकील होते हुए तुम्हें तमीज नहीं बात करने की, कोई कोई टाइम पॉइंट पर आ जाती है। अरे हमने समझा कि इसका बीच, समझने की कोशिश करो, उसके ट्राउजर लगा हुआ। और रही बात, तुमको मालूम होना चाहिए किरण साहिबा कि पुलिस के कुछ और भी दायरे होते हैं, कि जिसका माँ बाप नहीं होता है उसका आज कानून उसकी मदद करेगा। मैं जाती हूँ। आओ बिजली, मैं तुम्हारा हाथ अजय चौहान के हाथ में देता, क्योंकि कानून का एक ये भी दायरा होता कि पिता समान मैं भी अपना रोल तुम्हारे बीच में अदा करता हूँ। और रही बात तुम्हारी, तुम सभी लोग आराम से रहो और कोई बात की दिक्कत नहीं। और विजय चौहान, आपने बड़े गौरव से, मैं कह रहा हूँ कि आपने जिला गाजियाबाद को स्वतंत्र बना दिया, अब आपको वहाँ जाने की जरूरत भोपाल नहीं, आज से जिला गाजियाबाद का एसपी तुम्हें बनाता हूँ। ठीक है सर। लेकिन किधर? यहाँ। देखो बिजली, अब तुम कहीं, वो मेरी भाभी और ये मेरे बड़े भैया, और आप इस तरीके से खड़ी हो जैसे कुछ जानते। अब जल्दी से पोती पोता जल्दी से लेकर के आओ। क्यों नहीं भाभी माँ, अभी खेलने कूदने की उम्र है, पोता बहुत। देखो सुबह हो गया है, और प्रभु का नाम लीजिए,